इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक ही फोन में आप दो अलग अलग व्हाट्सएप कैसे यूज कर सकते हो। मींस एक ही फोन में आप दो अलग अलग व्हाट्सएप अकाउंट कैसे यूज कर सकते हो, आज की इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा। मेथड बहुत सिंपल सा है दो व्हाट्सएप को एक ही फोन में यूज करने का। तो जो भी मैं आपको स्टेप्स बताने वाला हूँ वो सारे स्टेप्स आपको वीडियो में ध्यान से देखना है बिना किसी पार्ट को स्किप किए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक सैमसंग का फोन है, लेकिन आपके पास जो भी फोन है यहाँ पे प्रोसेस बिल्कुल सेम होने वाला है। सारे फोन का प्रोसेस बिल्कुल सेम है जो कि मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, लेकिन इस फोन में करने के बाद मैं आपको एक और फोन में करके बताऊंगा। जैसे कि मेरे पास एक और फोन है MI का, तो इस MI के फोन में भी मैं आपको बताऊंगा कैसे आप दो व्हाट्सएप यूज कर सकते हो इस फोन में भी। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको सैमसंग के फोन में बता देता हूँ कैसे आप दो व्हाट्सएप यूज कर सकते हो। वैसे तो प्रोसेस बिल्कुल सेम है सारे फोन का। सिंपली आपको अपने फोन में सेटिंग्स ओपन करना है और सेटिंग्स में आपको एक सर्च का ऑप्शन दिखेगा। सिंपली आपको इस ऑप्शन पे टैप करना है। तो सर्च में आपको लिखना है डुअल। डुअल लिखने के बाद आपको यहाँ पे डुअल मैसेंजर के नेम से दिख जाएगा। सैमसंग में यहाँ पे आपको डुअल मैसेंजर के नेम से दिख जाता है, लेकिन हो सकता है कि आपको किसी अदर फोन में डुअल एप्स के नेम से दिखे। तो सिंपली आपको इस ऑप्शन पे टैप करना है। उसके बाद आपको बॉटम में डुअल मैसेंजर वाले ऑप्शन पे टैप करना है। उसके बाद आपके फ़ोन में जो भी मैसेंजर ऐप इंस्टॉल्ड होगा यहाँ पे वो सारा आपको मैसेंजर ऐप दिख जाएगा। तो जिस भी मैसेंजर ऐप का आपको डुअल ऐप बनाना है तो यहाँ पे आपको सिंपली आपको इनेबल कर देना है। जैसे कि यहाँ पे मुझे व्हाट्सएप का डुअल ऐप बनाना है तो यहाँ पे मैं सिंपली इसे इनेबल कर देता हूँ। उसके बाद आपको इंस्टॉल पे टैप करना है और उसके बाद आपको इस ऑप्शन को इनेबल करके रखना है, यूज सेपरेट कॉन्टैक्ट लिस्ट, इसे आपको इनेबल कर देना है। अब उसके बाद इसे इनेबल करने के बाद यहाँ पे आपका डुअल व्हाट्सएप क्रिएट हो गया होगा। सिंपली आप अपने डुअल व्हाट्सएप का आइकन अपने होम स्क्रीन पे देख सकते हो। अब उसके बाद आप इस व्हाट्सएप पे एक अलग अकाउंट बना सकते हो एक अलग नंबर के साथ। तो इस तरीके से आप एक ही फोन में दो अलग अलग व्हाट्सएप यूज कर सकते हो। अब मैं आपको एक अल्टरनेट फोन जैसे कि MI के फोन में भी दो व्हाट्सएप इंस्टॉल करके बता देता हूँ। वैसे तो प्रोसेस बिल्कुल सेम है, आपके पास कोई भी फोन हो जो यहाँ पे मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूँ डुअल व्हाट्सएप को इंस्टॉल करने का, बिल्कुल स्टेप सेम होने वाला है किसी भी फोन में। तो जैसे कि इस फोन में मेरा एक व्हाट्सएप पहले से इंस्टॉल है, यहाँ पे मुझे दूसरा व्हाट्सएप इंस्टॉल करना है। तो सिंपली आपको अपने फोन के सेटिंग्स को ओपन करना है, उसके बाद आपको सर्च में डुअल एप्स या फिर डुअल मैसेंजर लिखकर सर्च करना है। तो जैसे कि MI के फ़ोन में डुअल एप्स के नेम से दिख रहा है, लेकिन सैमसंग के फ़ोन में डुअल मैसेंजर के नेम से दिख रहा था। तो यहाँ पे हो सकता है कि आपके फ़ोन में डुअल एप्स या फिर डुअल मैसेंजर के नेम से हो, या फिर आप सर्च में सिर्फ डुअल लिखकर ही आप सर्च करोगे तो आपको यहाँ पे रिजल्ट में दिख जाएगा। उसके बाद आपको सिंपली आपको डुअल एप्स पे टैप करना है। यहाँ पे आपको क्रिएट वाले ऑप्शन पे टैप करना है। अब जिस भी ऐप का आपको डुअल ऐप्स क्रिएट करना है सिंपली आपको यहाँ से वो ऐप चूज करना है। जैसे कि यहाँ पे मैं व्हाट्सएप का डुअल ऐप क्रिएट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं व्हाट्सएप को चूज करूँगा। उसके बाद आपको डुअल ऐप्स को इनेबल कर देना है, टर्न ऑन पे टैप करना है। उसके बाद आपके व्हाट्सएप का डुअल ऐप क्रिएट हो जाएगा। आप अपने डुअल ऐप का आइकन अपने होम स्क्रीन पे भी देख सकते हो। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक आइकन क्रिएट हो गया है डबल व्हाट्सएप का। सिंपली अब यहाँ पे एक अलग नंबर से आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ पे आप दो व्हाट्सएप को यूज़ कर सकते हो अपने एक ही फ़ोन में। तो इस तरीके से आप अपने फ़ोन में दो व्हाट्सएप को इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हो। आई होप सो कि मैंने आपको वीडियो में जो भी स्टेप्स बताया डबल व्हाट्सएप को कैसे इंस्टॉल किया जाता है और कैसे यूज़ किया जाता है वो सारे स्टेप्स आपको वीडियो में समझ में आ गया होगा। और अगर आपको अपने फ़ोन में दो व्हाट्सएप को इंस्टॉल करने में कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। व्हाट्सएप या फिर इस वीडियो के अलावा अगर आपके पास कोई भी क्वेरीज को डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये वीडियो आपके लिए यूजफुल इन्फॉर्मेटिव रहा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए।